गुड मॉर्निंग। और आज बहुत दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ वर्धानी जाने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से झंडा नहीं देखा है मैंने और आज टाइम भी हो रहा है जाने का। तो एक चक्कर वहाँ जाके आते हैं और देखते हैं आखिर क्या हाल होता है झंडे का। तो अभी हमें कॉलेज के बाहर ही देखो, और कॉलेज से सीधा वाला रास्ता है, इसी रास्ते से हम जाएंगे। और रास्ते में कुछ भी होगा तो मैं आपको बताते रहूँगा, तो चलिए चलते हैं। गाइस यहीं पर से है बुद्धा टेम्पल का रास्ता जो मैंने आपको, तो गाइस ये सामने वाला रास्ता सीधा वर्धानी की तरफ हम शॉर्ट जा रहे हैं, और ये रास्ता है बुद्धा टेम्पल का, तो चलते हैं आगे। तो गाइस जस्ट हम पहुँचे हैं अभी वर्धानी, और यहाँ पे आपने झंडा अगर देखा है नहीं देखा है, मैं ज़रूर आपको झंडा दिखाता हूँ। पीछे बुबू पगली गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो झंडा, यहाँ से सीन भी बहुत अच्छा है यार। गाइस डिस्काउंट हो रही है, ज़्यादा पबजी खेलोगे तो ऐसा ही होगा। वाओ, यहाँ से पिथौरागढ़ का बढ़िया सीन आता है। और झंडा मैं आपको दिखाऊं, ये रहा बहुत ऊंचा झंडा है, और इस तरह से धूप आ रही है। रुको, हम आगे से जाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके ठीक है, तो ये जो बैठने वाला है इसमें जाते हैं। यहाँ से अच्छा व्यू आएगा झंडे का, और कोई है तो नहीं, पर कोई नहीं है, यही देख रहा था मैं, कोई है तो नहीं कहीं ऊपर, खाली डिस्टर्ब होता ना उनको इसलिए। मगर अब देखो, वाह मेरे को तो बहुत अच्छा सीन दिख रहा है, आपको भी दिखाऊं। ये देखो भाई पूरा पिथौरागढ़, देखते हैं जरा यहाँ से। बिल्कुल टेढ़ा करना पड़ रहा है तब झंडा दिख रहा है। ओ नो यार, ये झंडा ऊपर से फट गया थोड़ा सा। हाँ बहुत तेज हवा है ना, इसलिए थोड़ा सा झंडा फट गया है शायद से। इसको हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि फट गया है, और अभी आगे इसको सही करके जाएंगे लोगों के। तो एक और काम मिल गया है, ये करते हैं फटाफट। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखा भी हुआ है, शायद इसी जगह के बारे में लिखा होगा, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ओके ये सामने है, ये पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ ज्ञान की बातें बताई हों जो हमारे काम आ जाए। तो ये है वर्धानी टेम्पल। दिस टेम्पल इज़ प्राइमरली डेडिकेटेड टू द मदर भगवती इज आइडल सत्यता विच इज़ कॉल्ड वर्धानी टेम्पल। अच्छा ये मंदिर है, ये पढ़ सकते हो आप पॉज करके। चारों तरफ घुमा लेता हूँ मैं एक बार। उत्तराखंड टूरिज्म निर्देशक N29358 अक्षांश, ये लैटीट्यूड और लैंगीट्यूड जो होती है उसकी बता रखा है। वर्धानी मंदिर, यह मंदिर माँ भगवती के शीतल स्वरूप को पूर्ण रूप से समर्पित है। इसको भी आप पढ़ सकते हो पूरा। एक और ब्लॉगर आया, अब बताओ पिथौरागढ़ में ऐसा चल रहा है, ब्लॉगर तो ब्लॉगर ऊपर से भगा और रहे हैं गाड़ी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए गाइस। तो ये है यहाँ का सीन, और यहाँ से ऊपर बैठने के लिए भी है। मैंने एक सबसे पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो यहीं की बनाई थी, आपको याद हो तो वो देखो कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो और वो टॉप बिल्कुल पहाड़ में टॉप तक है, और वहाँ पर बहुत अच्छी जगह है आपके बैठने के लिए। जैसे यहाँ पर बैठने के लिए है ना, ये क्या है, ये देखो ये जैसा बैठने के लिए है वैसा ही वहाँ पे भी बैठने के लिए बनाया हुआ है, और अच्छी जगह है। वहाँ पे जाना, पैदल जाना ऊपर, फिर देखना खुद ही खुद, ठीक है ना। और मिशन मर्यादा, पुलिस के द्वारा ये मिशन मर्यादा भी लाया हुआ है, और हर जगह इसके आजकल होल्डिंग्स दिख रही है, तो अच्छा है वाला मिशन भी इनका, ठीक है। गाइस अभी हमने इंटीरियर तो देख लिया है, मतलब ये जो एरिया है इसके अंदर की चीज़ें तो देख ली हैं, अब एक बार हम इसके अराउंड क्या क्या है वो भी देखते हैं। तो गेट से बाहर निकलते हैं और पूरा घूमते हुए जाते हैं, और इसके नीचे साइड या क्या है, कोई मंदिर है क्या है, सब चेक करते हैं। ओके, और मेरा हेलमेट गाड़ी में ही है, उसको भी उठा ले जाता हूँ, कहीं चोर के ले जाएगा कोई, और गाड़ी भी लॉक कर दूँगा। न्यूट्रल चल देंगे यहाँ से, तो नीचे नहीं तो है ना, ठीक है लॉक करते हैं। दुकान भी है भाई यहाँ पर, कुछ ख़रीदना हो तो यहाँ से ले लेना, बढ़िया दुकान है, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर। और जो मेन काम हम करने आए थे यहाँ पे, हेलमेट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, इसको बंद कर देता हूँ लॉक, ताकि कोई चोर के ना ले जा सके। हेलमेट पकड़ते हैं और वो नीचे जाते हैं। अब तो दोस्तों नीचे को जा रहे हैं हम लोग, और जिससे मैं आपको हेलमेट हाथ में पकड़ने का मन ना हो तो ऐसे सर में लगा लेना, आसानी रहती है चलने में भी,
और हेलमेट की भी दिक्कत नहीं होती है। तो अभी हम यहाँ से नीचे को जा रहे हैं और देखते हैं क्या है आखिर। ओके, यहाँ पे टूटे हुए दो गेट हैं, है ना, और गेट में टोनी स्टार्क की फ़ोटो लगी हुई है। ये देखो, टोनी स्टार्क ही ऐसा है, कोचिंग पढ़ा रहा है शायद टोनी स्टार्क, पता नहीं क्या है मतलब। और ये, अच्छा, तो यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, आगे मंदिर है। वो देखो, थोड़ा सा मंदिर का जो ऊपर का दिखता है ना, गुंबद नहीं, ट्रायंगल टाइप का कुछ है, वो दिख रहा है। तो उधर ही को जाते हैं और देखते हैं किसका मंदिर है। और यहाँ पे दो तीन मंदिर हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। वो देखो नीचे वाला मंदिर देखो, और वहाँ मंदिर के बगल में शेर भी हैं। वो देखो शेर दिख रहे हैं ना, शेर भी है वहाँ पे। तो अब चलते हैं और हाथ जोड़ के आते हैं मंदिर में। ओके गाइज, हमने दूर से नमस्ते कर दिया है मंदिर को, अंदर नहीं जाना होता। और ये मेरे अगल बगल झिमौड़ा घूम रहा है, इसको शायद मरना है आज, झिमौड़ा घूम रही है। और अब यहाँ से हम ऑफ रोडिंग करते हुए ऊपर जाएंगे, और ऊपर सीढ़ियाँ टाइप की हैं यार, पता नहीं कैसे आ गई इतनी सीढ़ियाँ, किस चीज़ के लिए बनाई हैं, सपोर्ट के लिए बनाई हैं शायद, ऐसा ही कुछ होगा। ये मंदिर, अगरबत्तियाँ जलाई हुई हैं, और ये देखो सीढ़ी, वाह। उधर से घूमे और यहाँ से ऊपर जाके सीधा ऊपर चले जाते हैं अब। ओके, यहाँ से रास्ता है जाने के लिए, ये देखो दिक्कत नहीं। और नीचे एक पूरी रोड भी है, ये वाली रोड की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो नीचे वाली रोड है ना, ये वाली रोड यहाँ से सीधा घूमते घूमते वो वाले वहाँ तक जाती है, ये वाली रोड है। और ये सीधा कॉलेज खुलती है, कॉलेज के यहाँ पे पौंड होते हुए मार्केट। तो कभी यहाँ पे अगर पुलिस से फंस जाओ तो आप इसी रोड से अंदर ही अंदर से जा सकते हो, सीधा वहीं पहुँचोगे, कॉलेज से सीधा मार्केट। तो अच्छा आइडिया है। वो रहा है LSMPG कॉलेज, साफ दिखाई देता है यहाँ से, ये रहा, नाइस कॉलेज। ओके गाइज, यहाँ पे बस इतना ही है भाई, अब ओले ओले जाते हैं हम यहाँ से ऊपर को। ये वही वाली दुकान वाली मोड़ है जो मैंने दिखाई थी, और ये नीचे ये रोड से हम जाते हैं, कॉलेज वाली लाइन से जाते हैं नगर पालिका की तरफ को। तो ओले ओले चलते हैं, यहाँ पर है वो मैं जो कह रहा था दुकान, और ये नीचे से है रास्ता। अब चलते हैं धीरे धीरे नीचे को, टाइम भी होने वाला है तो चलते हैं। तो गाइस, वैसे अब यहाँ से आगे के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। देखो जैसे यहाँ से आगे है ना, तो आगे आपका 1960 कैफ़े पड़ता है, और प्लस पॉइंट पड़ता है, मुस्टमाड़ू टेंपल है, ग्रीन आइलैंड है। तो मतलब जाने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, मगर अभी टाइम नहीं हो पाता है अब मेरे को जाने का। तो अब किसी दिन जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ पर भी। तो खैर, अभी चलते हैं हम नीचे वाले रास्ते से घर की तरफ। ओके, तो गाइस ये है वो रास्ता जो मैं आपसे बोल रहा था, और पूरा ढलान है तो इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ, इंडिकेटर देते हैं राइट साइड का, इसीलिए गाड़ी में हौले वाले चलते हैं यहाँ को। तो यहाँ से पूरा न्यूट्रल है, स्लो स्लो आदमी जा सकता है आराम से, तो हौले वाले चलते हैं हम। गाइस, रास्ते में हमको शिव जी का मंदिर दिख गया है, नमस्ते कर लो इनको, जय हो भगवान। रास्ते में यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, और अभी हम बस पहुँचने वाले हैं ये वाले रास्ते से, तो अभी वहाँ और आगे चलते हैं और मंदिर दिखते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। ओके गाइस, आ गए हैं दो रास्ते। तो ये जो ऊपर वाला रास्ता है, ये पौंड के जो ऊपर से वाला रास्ता आता है वहाँ पे मिलता है, और ये नीचे वाला रास्ता भी वहीं मिलता है, तो नीचे वाले से ज़्यादा आसान होगा। और जहाँ पे जंक्शन होगा इनका मैं दिखाऊंगा आपको कि ये ऊपर वाला रास्ता यहाँ पर आके मिलता है। ओके, तो चलते हैं और आगे को। ओके गाइस, तो ये आ गया है आपका पपदेव गाँव, आपने सुना होगा पपदेव के बारे में, तो यही वो गाँव है, और बहुत अच्छा गाँव है यार। देखो बिल्कुल रोडें बिल्कुल साफ़ हैं यहाँ पे, गाँव में यही सही रहता है कि रोड साफ रहती है। ठीक है, और ये है पपदेव, तो गाइस यही है वो मोड़ रोड जो मैं कह रहा था आपसे, ऊपर से आती है तो इधर ही पर को इसी वाले जंक्शन में मिलती है, तो ये ऊपर वाली रोड है, और जहाँ से हम लोग आए ये वाली रोड है। तो अब बस कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँचने ही वाले हैं, पौंड पहुँच गए हम। तो गाइस, यहीं पर से है बुद्धा टेम्पल का रास्ता जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से अली रोड है और फिर आगे को है। तो गाइस फाइनली हम उसी जगह में पहुँच गए हैं जहाँ पर से हमने शुरुआत की थी,
तो अब वरदानी में जाके आपको मज़ा तो आया ही होगा, है ना। और अभी कभी मौका मिले तो अभी बुद्ध टेम्पल जो मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में उसमें भी जाएंगे, और बहुत सारी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, ठीक है, तड़कते धड़कते मसाले के साथ। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है, गुड बाय।